एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित तरवार गांव पहुंचा। लगभग 5500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 4 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान पिंटू सिंह द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 2450 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 457 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 280 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 हैंडपंप लगे हुए हैं। साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 170 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगवाई गई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 900 मीटर सीसी टाइल्स रोड, 400 मीटर खडंजा, पानी की टंकी, पानी निकासी के लिए नाली, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 57 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14 आवास का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, शमशान घाट की बाउंड्री, स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पिंटू सिंह तलवार से विकास खंड असमोली तहसील में जिला संभल। जो भी मैंने विकास कार्य कराए हैं हमारे पूर्व प्रधान जी द्वारा पूछते हुए सारे विकास कार्य सही कराए हैं और सही कराता रहूँगा। सीसी टाइल्स और शौचालय निर्माण, आवास, प्रधानमंत्री, ये सब पूर्ण ही करा के जो भी मेरे पास आए हैं मैं सारे ही पूर्ण कराऊँगा। और जो भी कार्य करा रहा हूँ अभी भी मैं वो कार्य सारा ही संपूर्ण ढंग से अच्छा कार्य करा रहा हूँ। किसी तरह का भी कोई भेदभाव नहीं रखता और कार्य पूर्ण ही करा के ये नहीं सोचता मैं कि हाँ ये कार्य इधर हो रहा है या उधर हो रहा है, दोनों ही पक्षों में कार्य बराबर कराता रहूँगा। और मैं एबीपीएस न्यूज मीडिया से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने हमारे यहाँ आगे इस मामले की जानकारी ली। मैं ग्राम प्रधान अब्दुल गफ्फार, ग्राम तलवार, ब्लॉक असमोली, जिला संभल, न्याय पंचायत मड़न। हमारे यहाँ जो भी प्रधान जी हैं, मौजूदा प्रधान और उपप्रधान दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं और अब जितनी भी टाइम बिछी है बहुत अच्छी टाइम बिछी है और सारे काम जितना भी है सब दोनों के देख में हो रहा है। और यहाँ ना तो कोई हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद है हमारे यहाँ और हम एक ऐसी और मुस्लिम दोनों मिलजुल के काम करते हैं आपस में। एक गंगा जमुना जैसी एक तहजीब हमारे गांव में है, एक मिसाल है कि हमारे गांव में कभी आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। और ना ही 5 साल हम प्रधान रहे, 2 साल यहाँ कोई मेरे गांव के अंदर कोई थाने में FIR आज तक भी नहीं हो पाई है। अच्छे संगठन से हम काम करते हैं और हमारे गाँव के अंदर कोई भी ऐसा कोई विवाद कोई हिंदू मुस्लिम पर नहीं होता है।